जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले लेक्चर में कि क्रिएशन ऑफ अकाउंट कैसे करना है फ्रीलांसर पे। आपने पहले तो बनाना है अकाउंट, ठीक है, और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, लाइक आपकी जो एजुकेशन है वो क्या है, लाइक अगर मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल डॉक्टर से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बनाएं, एजुकेशन लिखें। अगर आप एमबीए हैं तो एमबीए से रिलेटेड बनाएं। अगर आप कोई ओ या ए लेवल स्टूडेंट हैं तो आप उससे रिलेटेड प्रोफाइल बनाएं, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो आपको अकॉर्डिंग टू हिज नीड हायर करे। और उसमें अगर आप डिफरेंट एजुकेशन लिखते हैं तो वो जो प्रोजेक्ट आपसे कंप्लीट नहीं होगा, और आपको जो प्रोफाइल है आपकी वो बैड रिव्यू लगेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। अब इस तरह होता है कि आप शुरू में जब काम करते हैं तो हो सकता है एम्प्लॉयर आपसे कहेगा, जी ये सैंपल लिख के दिखाओ। अच्छा, अगर आप एमबीए हो तो एमबीए फाइनेंस हैं तो आप थोड़ा फाइनेंस के ऊपर एक पेज लिख के दिखा दें। अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो कोई मेडिकल डिजीज के ऊपर कोई एक पेज लिख के दिखा दें। तो आप फ्री सैंपल अगर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, बट एक से ज़्यादा ना दें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयर्स फेक होते हैं, वो जेन्युइन नहीं होते, तो इस वजह से आप एक से ज़्यादा सैंपल ना दें। और जो जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा वो आपके एक ही सैंपल को देख के आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देगा। अब क्या है कि अकाउंट जब आपका क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है, आपकी प्रोफाइल ओके हो जाती है, फिर आप बिडिंग की तरफ आ जाएं। बिडिंग में आप इम्प्रेसिव एक बिड बनाएं, लाइक बहुत कोई लेंथ ही, कोई 400-500 वर्ड्स की लेंथी बिट की जरूरत नहीं है, जस्ट 2-3 लाइंस इंप्रेसिव हो। और जब आप बिट प्लेस करें तो आप कोशिश करेंगे जो प्रोजेक्ट है, लाइक अगर कोई सेल फोन के ऊपर आर्टिकल है तो आप उससे रिलेटेड डिस्कस करें बिट के अंदर। और कुछ आपकी कोई ईजाइन वगैरह की प्रोफाइल हो तो वो भी शेयर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रीवियस कोई काम हो वो शेयर कर दें, उसका लिंक पब्लिश हो तो ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, आपकी जो वर्थ है वो बढ़ जाएगी एम्प्लॉयर की नज़र में। अगर नहीं भी है कोई प्रीवियस वर्थ तो कोई मसला नहीं, आप डिस्कस करें, आप जो एवरेज बिड है उसके आसपास रख के अपनी प्राइस दें। ये नहीं कि बहुत हाई चले जाएं, ये नहीं कि बहुत लो चले जाएं, एक एवरेज के आसपास रह के ना बिडिंग करें प्राइस की, ताकि एम्प्लॉयर को लगे कि जी आप जानते हैं चीज़ों को। अब क्या होता है कि freelancer.com ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं जो आपको हायर कर सकती हैं। अगर आपके रिव्यूज अच्छे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा हाई चांसेस कि आप हायर हो जाएं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि डेडलाइंस को इग्नोर कर दिया जाता है, कमिटमेंट एम्प्लॉयर्स के साथ होती है वो मीट नहीं होती, जिसकी वजह से रिव्यूज गिर जाते हैं, रेटिंग गिर जाती है या बैड फीडबैक लग जाते हैं। एक बैड फीडबैक जब लगा होगा ना तो 10 जो एम्प्लॉयर है ना वो अगर आपको काम देना भी चाहेंगे ना वो सोचेंगे, ठीक है, और 10 में से 5 तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जब डेडलाइन जो है ना वो अगर आप मीट करते हैं, आप ऐसी डेडलाइन लाइक अगर 10 आर्टिकल एक बंदे को चाहिए, आप देखें जी आप एक दिन में 2 कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एस्टिमेट करके एक दिन एक्स्ट्रा अपने पास रखें कुशन के तौर पे। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिव्यू है वो नहीं गिरेगा, आपकी गुडविल नहीं डाउन होगी, और एक आप अच्छा अकाउंट जो है ना, क्योंकि एक गुडविल जो है ना अकाउंट की वो बहुत मैटर करती है। आपको फॉर द टाइम बींग 1 महीना 2 महीने में नजर ना आ रहा हो कि, पर जब आपका 1 साल गुजर जाता है इस बिजनेस में, फिर आपका जो अकाउंट है वो एक वर्थ, एक नाम बन जाता है, एक ब्रांड बन जाता है, और हर अच्छा एम्प्लॉयर आपको जानता है फिर मार्केट में, और वो फिर प्रेफरेंस होती है उसकी कि यार ये बंदा अवेलेबल है इसको मैं काम दूँ पहले, ठीक है, वो डायरेक्टली हायर करेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुड रिव्यू और रेटिंग लेना। सेकेंडली, मैंने एक एक्सपीरियंस किया अपने ये लास्ट 10 ईयर्स में कि बहुत से बीच में ऐसे भी आए अकाउंट्स जो फेक रिव्यूज करवा के आते थे, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते थे अकाउंट्स पे, पर वो फायदा उनको नहीं हुआ। ऑब्वियसली एक जो बंदा ग्रास रूट लेवल से जेन्युइन हार्डवर्क करता हुआ आ रहा है ना, वो ही कामयाब रहे।